नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2023 में केकेआर के हालात खराब हैं। ऐसे खराब हालातों में न कप्तान साथ है, न नंबर तीन का बल्लेबाज साथ है, कई खिलाड़ी और साथ छोड़ सकते हैं। केकेआर की प्लेइंग 11 के लिए भी मुश्किलें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में केकेआर के खेमे में एक ऐसा खड़ूस इंसान आया है, एक ऐसा बेहतर इंसान आया है, जिस इंसान के आने से केकेआर अब जीत की पटरी पर लौटेगी। कह सकते हैं कि अब ये खड़ूस इंसान आएगा, केकेआर को चैंपियन बनाएगा। वो खड़ूस इंसान कौन है जो अपने दम पर, जो अपनी ताकत के दम पर केकेआर को चैंपियन बनाने की ताकत रखता है, जिस इंसान ने न जाने कितनी टीमों को चैंपियन बना दिया, कितनी टीमों को खिताब जिता दिया। उसका सपना हमेशा एक यही होता है कि वो जिस टीम के साथ जाए उस टीम को चैंपियन बनाए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस इंसान की ताकत को ध्यान में रखते हुए केकेआर ने साल 2023 में एक बड़ा कदम उठाया, इस इंसान को, इस खड़ूस इंसान को अपने साथ जोड़ा। और अब यह कहा जा रहा है कि इस बार केकेआर को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। उस इंसान का नाम है चंद्रकांत पंडित। चंद्रकांत पंडित को मैं खड़ूस क्यों कह रहा हूं यह भी आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को यह समझना चाहिए कि चंद्रकांत पंडित जो है वो भारतीय क्रिकेट के, घरेलू क्रिकेट के इतिहास के बहुत बड़े चाणक्य माने जाते हैं। उनकी रणनीति कोई विपक्षी टीमें नहीं समझ पाती। चंद्रकांत पंडित ने दो बार विदर्भ को चैंपियन बनाया जब विदर्भ की टीम उतनी मजबूत नहीं थी, उसके बाद में एमपी की टीम को चैंपियन बना दिया, एमपी की टीम भी उतनी कोई मजबूत नहीं थी, लेकिन उनकी रणनीति, उनकी चाल, उनकी समझ, उनकी क्रिकेट को लेकर जो एक जागरूकता है, वो अपने हमेशा अपनी टीम को चैंपियन बनाते हैं। लेकिन अब चंद्रकांत पंडित खड़ूस कोच क्यों है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, तो उसके पीछे की वजह है। उसके पीछे की वजह यह है कि जब चंद्रकांत पंडित किसी टीम के साथ जुड़ते हैं तो उनकी सबसे पहली एक शर्त होती है कि वो हर टीम के हर खिलाड़ी को अपने हिसाब से चलाएंगे। वो टीम के खिलाड़ियों को अपने मन मुताबिक चलाते हैं, अपने हिसाब से ट्रेनिंग कराते हैं, अपने हिसाब से पूरा सेटअप तैयार करते हैं, ताकि जब टीम चैंपियन बने तो ये पता हो कि मेहनत कैसे होती है। इसलिए 2023 में जब चंद्रकांत पंडित केकेआर के साथ जुड़ेंगे तो खड़ूस कोच मिलेगा केकेआर वालों को, क्योंकि अब से पहले कुछ और माहौल था, अब माहौल कुछ और हो जाएगा। चंद्रकांत पंडित अपने तरीके से केकेआर की सारी टीम को, सारे खिलाड़ियों को चलाएंगे और उसके बाद में चैंपियन बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले चंद्रकांत पंडित के सामने चुनौतियां हैं। पहले ही सीजन में चुनौतियां ये हैं कि उन्हें अपना कप्तान खोजना पड़ेगा। अगर श्रेयस अय्यर नहीं होंगे तो क्या, सबसे पहले चंद्रकांत पंडित को कप्तान खोजना पड़ेगा, नंबर तीन का बल्लेबाज खोजना पड़ेगा। हालांकि केकेआर के पास एक अच्छी प्लेइंग 11 है, बहुत अच्छे धुआंधार खिलाड़ी केकेआर के पास हैं, लेकिन उसके बावजूद कप्तान, एक बेहतर कप्तान खोजना बहुत जरूरी है। खबर यह है कि नीतीश राणा को कप्तान बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि केकेआर चाहती है कि किसी भारतीय को कप्तान बनाया जाए। ऐसे में नीतीश राणा पिछले कई साल से केकेआर के साथ हैं, तो नीतीश राणा को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और चंद्रकांत पंडित भारतीय कोच के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, इसीलिए केकेआर नीतीश राणा को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप सकती है। आपका इस खबर पर क्या मानना है? क्या आपको लगता है वास्तव में नीतीश राणा बेहतर कप्तान साबित होंगे? और क्या आपको लगता है कि चंद्रकांत पंडित जैसा इंसान, जिसने घरेलू क्रिकेट में बहुत कारनामा किया है, वो केकेआर को चैंपियन बना पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह के अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।